नमस्कार, मेरा नाम है मोनी चौहान, प्रगति मीडियोवर्क एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष प्रवेश परीक्षा के बारे में, और इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए सीटों का निर्धारण, जो कि शासन की तरफ से अलग अलग जिलों के लिए सीटों का निर्धारण किया गया है, मतलब हर जिले में कम से कम 4 या 5 या किसी जिले में 9 सीटें निर्धारित किया गया है, और 9 सीटों में से एससी और एसटी में बांटा गया है, और ये जितना सीट है ये चयनित संस्था के लिए है। जो चयनित संस्था, जैसे आपके बड़े बड़े आवासीय विद्यालय होते हैं, जैसे संस्कार सिटी हो गया, आपका इंटरनेशनल स्कूल हो गया, जहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं, वो उसके लिए यहाँ पर सीटें निर्धारित किया गया है। और हर जिले में कम से कम 8-9 बच्चे लिया जाएगा, मतलब जितना सीटें रखा गया उतना बच्चे को लिया जाएगा, तो इस तरह से बांटा गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष प्रवेश परीक्षा में सीटों की जानकारी साझा करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वही है आपका ये जो प्रोस्पेक्टर है, इसका तो हर वीडियो में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, इसके ऊपर का जितने जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 5वां नंबर से। तो यहाँ पर लिखा है सीटों की संख्या का निर्धारण। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों के चयन हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रवेश परीक्षा की परिणता के आधार पर कक्षा छठवीं से अनुसूचित जनजाति के 130, अनुसूचित जाति के 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश हेतु जिले वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार है, मतलब आपका एसटी से होंगे 130 सीट और एससी से होंगे 70 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। और ये जो एसओटी है ये आपके अलग अलग संस्था में बटा रहेगा, एसओटी में बांट दिया जाएगा, जैसे 70 है वो भी बांट दिया जाएगा, और इसी को जिलेवर में भी बांट दिया गया है चयन करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अलग अलग जिलों में अलग अलग सीटें निर्धारित किया गया है। क्रमांक जिला अनुसूचित जनजाति की निर्धारित सीट संख्या, अनुसूचित जाति की निर्धारित सीट संख्या, तो यहाँ पे दिया है। जैसे पहला आपका सरगुजा है, एसटी के लिए 10 सीट, एससी के लिए 1, जो कि सरगुजा एसटी में आता है पूरा, ठीक है, मतलब आदिवासी बहुल जिला है, इसलिए 10 सीट यहाँ पर दिया हुआ है। बलरामपुर, यहाँ पर 5 सीटें निर्धारित किया गया है, 1 एससी का, ये भी एसटी से आता है। सूरजपुर, ये भी एसटी आता है, जो कि यहाँ पर कुछ ओबीसी ज्यादा होगा तो इसलिए कम हो गया है। जसपुर 9 है, जसपुर में भी एसटी आता है, यहाँ पर 2 एससी है। जैसे हम महासुम का लेते हैं, महासुम जिला में जैसे आपका एसटी का 2 है और आपका एससी का 4 है, तो यहाँ पर कुछ 81 सीट बढ़ गया है, ठीक है। तो हमारे जिले में क्या आता है, एससी की संख्या ज्यादा है इसलिए 4 सीटें दिया हुआ है, और एसटी का कम है तो 2 सीटें दिया गया। अब जैसे हम गरियाबंद का लेते हैं, जैसे गरियाबंद एसटी का 5 है और एससी का 2 है, क्योंकि गरियाबंद जिला आदिवासी बहु जिला है, वहां पर दीवान है, गौण है, ध्रुव है, तरह तरह के आदिवासी लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ के बच्चों के लिए 5 सीटें निर्धारित किया गया है और एससी का 2 है। अब जैसे बस्तर संभाग तरफ देखो तो बस्तर संभाग में आदिवासी ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर ज्यादा, जैसे बीजापुर में 5 है, नारायणपुर में 4 है, कांकेर में 7 है, तो यहाँ पर बहुत आदिवासी मिलेंगे। कोंडागांव 5 है, जगदलपुर 9 है, तो इस तरह से यहाँ पर सीटें निर्धारित किया गया है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। इस वर्ष से जो भी बच्चे आते हैं और उन्हीं को यहाँ पर प्राथमिकता मिलता है, यहाँ केवल 2 वर्ग को ही लिया जाता है, ठीक है, विशेष रूप से।
अब यहाँ अगला यहाँ पर बता देता हूँ। कक्षा छठवीं में किसी जिले की सीटों की पूर्ति नहीं होने पाने की स्थिति में उक्त रिक्त सीटों की पूर्ति संबंधित संभाग के अन्य जिले के प्रवेश सूची के अंतर्गत उपलब्ध उसी वर्ग के विद्यार्थियों से की जा सकी। मतलब यहाँ पर जैसे कुछ नहीं भर पाता है किसी कारण तो शेयर किया जाएगा, जो दूसरे जिले के बच्चे को लिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, शेयरिंग सिस्टम है इसमें। जैसे किसी एक जिला का नहीं आया तो दूसरे जिले से उठा लिया जाएगा, ऐसा है। योजना के तहत उत्कृष्ट आवासीय संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थी सीबीएसई आईएएस द्वारा निर्धारित बोर्ड पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा तक योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मतलब कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक ये संचालित रहेगा यह योजना, और ये टोटल पूरा अंग्रेजी मीडियम रहेगा। यहाँ पे हिंदी मीडियम बहुत ही कम है या ना के बराबर है, अंग्रेजी मीडियम में ही संचालित होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े आवासीय विद्यालय हैं प्राइवेट में और बहुत महंगे स्कूल हैं, और शासन की तरफ से ऐसे स्कूल में आप लोग के लिए योजना लेकर आई है कि कि गरीब के बच्चे महंगे से महंगे आवासीय विद्यालय में पढ़ सके। वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है, गवर्नमेंट पूरा सहयोग करेगी, पूरा फीस भी पटाने में चाहे जितना भी खर्च आता है वो पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर इसमें आप लोग का योग्यता, आप बहुत होशियार हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हो, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट बच्चे को ज़्यादा लिया जाता है, परीक्षा मतलब चयन किया जाता है, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े आवासीय विद्यालय होते हैं प्राइवेट स्तर के, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, संस्कार धानी है, और बहुत सारा है, कृष्णा पब्लिक स्कूल है, कुछ इंटरनेशनल स्कूल है, तो वहाँ पर चयन किया जाता है। इंटरनेशनल स्कूल में ज़्यादातर ऐसे ही बोर्ड होता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया, जो भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग इसको बढ़िया आराम से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। मैं यहाँ जो जो मेन मेन चीज़ है उसको बताऊंगा, और ये भी कोशिश करूंगा मैं जो जो शासन की तरफ से निर्धारित किया गया है कि कौन सा स्कूल में चयन होगा, किस में होगा, उसका जानकारी भी मैं दूंगा। ये पिछले वीडियो में भी दिया था, चाहे कुछ कुछ नया जोड़ते हैं, कुछ पुराने हट जाते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों यह सीटों की जानकारी आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जैसे मैं अपना महासमुंद को बताया था, वहां पर कम से कम 5 सीटें हैं, उनमें से 3 सीट एसटी का है और 2 एससी का है। तो इसी तरह से सभी जिलों में बटा हुआ है, और ये सारा सीट उसी का है जो चयनित संस्था का है, वहां का सीटें निर्धारित किया गया है। अब जैसे अलग अलग जिले में भी कुछ बड़े बड़े स्कूल है, जैसे रायगढ़ का है, बहुत बड़े स्कूल होते हैं जो सीबीएसई पैटर्न से चलते हैं। आपका जैसे राजनांदगांव में संस्कार धानी है, किसी का दिल्ली पब्लिक स्कूल है, या कुछ गुरुकुल जैसे स्कूल है, तो जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल होते हैं उन्हीं से बच्चे को लिया जाता है। और ये जितने भी स्कूल के बारे में बता रहा हूँ ये टोटली पूरे अंग्रेजी माध्यम में संचालित होते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में बना बनाया है भाग 1 भाग 2 भाग 3, तो उस वीडियो को जरूर देखोगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना ये क्या चीज है, वो अच्छी तरह से आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा मैं आज के वीडियो में, वहां भी आप लोग डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें, और इस तरह का मैं नया नया जानकारी लेकर आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।